रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का नाम ECL में डाल दिया गया है। शहबाज गिल का नाम इस्लामाबाद जिले इंतजामिया की सिफारिश और वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद ECL में डाला गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, इस्लामाबाद में सामाजिक साथियों की सिफारिश के ऊपर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का जो नाम है वो ECL में शामिल कर दिया गया है। इस हवाले से जो बड़े साथियाँ हैं उन्होंने सिफारिश की कि शहबाज गिल का नाम जो है ECL में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि शहबाज गिल के ऊपर कुछ मुकदमात थे और मुकदमात के अंदर देर तफ्तीश की थे और अदालत के अंदर कार्रवाई है वो भी इसके ऊपर चल रही थी। तो वफाकी कबीरों ने बकायदे तौर पर इसकी इजाजत दी है और वजारत दाखिला ने बकायदे तौर पर अमल दरामदी कराई है इसके ऊपर, और बकायदे तौर पर शहबाज गिल का जो नाम है वो ECL में शामिल कर दिया गया है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे तैयब सैफ से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। हाँ जी, इस्लामाबाद में सामाजिक साथियों की सिफारिश के ऊपर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल का जो नाम है वो ECL में शामिल कर दिया गया है। इस हवाले से जो बड़े साथियाँ हैं उन्होंने सिफारिश की कि शहबाज गिल का नाम जो है ECL में शामिल कर दिया जाए, क्योंकि शहबाज गिल के ऊपर कुछ मुकदमात थे और मुकदमात के अंदर देर तफ्तीश की थे और अदालत के अंदर कार्रवाई है वो भी इसके ऊपर चल रही थी। तो वफाकी कबीरों ने बकायदे तौर पर इसकी इजाजत दी है और वजारत दाखिला ने बकायदे तौर पर अमल दरामदी कराई है इसके ऊपर, और बकायदे तौर पर शहबाज गिल का जो नाम है वो ECL में शामिल कर दिया गया है, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। बहुत शुक्रिया तैयब, आपने अपडेट किया।